साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। रविंद्र जडेजा की भारतीय टीम वाली जर्सी का इस्तेमाल करने पर विवादों में फंसे रिवावा जडेजा, विपक्ष ने जमकर घेरा। मेधा पाटकर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करने पर जेपी नड्डा का निशाना, बोले एंटी गुजराती हैं राहुल गांधी। ममता बनर्जी ने भाजपा पर किया प्रहार, बोले सीए नहीं तो एनआरसी के नाम पर आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे, हम दोनों ही लंबी रेस के घोड़े। दिल्ली एम्स का सर्वर कल से डाउन, जांच करने पहुंची केंद्रीय एजेंसियां, साइबर अटैक की आशंका। महाराष्ट्र में डोली धरती, पालघर में आज सुबह सुबह आया भूकंप। क्या आप कांग्रेस को वोट देते हैं, वीडियो जारी कर गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बड़ी अपील। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पप्पू यादव की मुलाकात से बड़ी सियासत हलचल, बोले उनका स्वस्थ रहना है बहुत जरूरी। राहुल गांधी बोले बुरहानपुर मोहब्बत का सेंटर, कहा बीजेपी ने एमपी में 20-25 भ्रष्ट विधायक खरीद कर सरकार बनाई। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भाजपा नेता को नोटिस जारी करने का निर्देश। एमपी में राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी प्रियंका गांधी, सचिन पायलट ने भी मिलाए कदम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल तलब की, कहा हम देखना चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सूरत के कॉलेज में लव जिहाद को लेकर मारपीट, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम स्टूडेंट्स को कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कर्नाटक में धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग से रेप, स्मार्टफोन देकर 8वीं क्लास की स्टूडेंट से दोस्ती की, आरोपी एक बच्चे का बाप। श्रद्धा की शिकायत पर पूनावाला के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई, इसकी जांच होगी, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। गोरखपुर में पत्नी की विदाई कराने गए युवक की मौत, बेहोशी हालत में खेत में मिला, परिजन बोले ससुराली जनों ने जहर देकर बेटे को मारा। आगरा से किडनैप 2 साल का बच्चा, मथुरा में मिला किडनैपर, मोहसिन ने बहन के घर छिपाया, बोला अच्छा लगा इसलिए उठा ले गया। गाजियाबाद में एसी का आउटडोर पैनल चुराया, सीसीटीवी में बाइक पर 2 लड़के दिखे, सीढ़ियों में सोसाइटी की छत पर पहुंचे और पैनल उतार कर ले गए। आजमगढ़ में धर्मांतरण मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, 2 दिन पूर्व प्रार्थना सभा के नाम पर आया था धर्म परिवर्तन कराने का मामला।
बदायूं का प्रदीप हत्याकांड, प्राइवेट नर्स की मौत एक दिन पहले, एमओजी टीम ने था उठाया, परिजनों ने कहा डेंगू से हुई मौत। सहारनपुर में इनकम टैक्स की 5 जगह रेड, गाजियाबाद से आई आईटी की टीम ने शहद व्यापारी ज्वेलर्स और हाईवेयर व्यापारी के घर में पहुंची टीम। जालौन में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग में घोटाला, खेतों में बिना तालाब खोदे ही निकाल लिए करोड़ों रुपए, 6 साल से चल रहा खेल। बागपत में नाबालिग छात्रा को पुलिस ने किया बरामद, संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी नाबालिग छात्रा। बरेली मंडल में धान खरीद में बड़ा घोटाला, खुद जांच करने कमिश्नर संयुक्ता संथार ने किसानों के मोबाइल पर नंबर पर की बात। हमीरपुर नगर पालिका ने 43 विभागों को नोटिस जारी किया, सबसे बड़ा बकायेदार विद्युत विभाग, दूसरे नंबर पर जिला कारागार। फिरोजाबाद में घायल गायों की जान बचा रहे गौ सेवक, एक महीने में बचाई 15 गायों की जिंदगी, संगठन में करीब 20 से अधिक सदस्य सक्रिय। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे बांदा, बोले राहुल गांधी की तर्ज पर कार्यकर्ता जोड़ो अभियान पर जुटे कार्यकर्ता। मिर्जापुर पुलिस ने रात में की पैदल गश्त, बाजार में 7 किलोमीटर तक की पैदल गश्त, आम जन को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। मुसलमान जन्मदिन नहीं मनाए, देवबंद के उलेमा बोले बर्थडे मनाना खुराफात, कुरान में इसका जिक्र नहीं। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, यात्रियों ने 45 मिनट तक रोके रखी बंगला एक्सप्रेस, बोले S8 कोच लगाना भूल गया रेलवे। ललितपुर के बांध से निकलकर सड़क पर पहुंचे 2 मगरमच्छ, वन कर्मियों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर बांध में छोड़ा। डॉग घुमाने के विवाद में दिव्यांग को पीटा, घर के सामने गंदगी का किया था विरोध, डॉग मालिक पर हुई FIR। बाहुबली विजय मिश्रा की अब तक 35 करोड़ संपत्ति कुर्क, भदोही प्रयागराज में करीबियों पर भी कसा गया शिकंजा। चंदौली पहुंचा तमिल अतिथियों का 3रा जत्था, स्टेशन पर DMSP ने किया स्वागत, लोगों ने रेड कार्पेट बिछाकर की पुष्प वर्षा। बरेली में डेंगू के मरीजों की संख्या 400 पहुंची, 36 घंटे में डेंगू के 30 नए केस आए, बरेली में मंडल में दूसरी सबसे ज्यादा संख्या। PHU के सेंट्रल ऑफिस पर धरना, PhD प्रवेश प्रक्रिया को बंद करने की मांग, छात्र बोले पहले धांधली का रिपोर्ट दे प्रशासन। उन्नाव के सभी ब्लॉक ISO सर्टिफाइड, प्रदेश का पहला जिला जहां के सभी ब्लॉकों पर मिलेगी सुविधाएं, CDO के काम की सराहना। नोएडा में मॉर्निंग वॉकर का मोबाइल लूटा, पुलिस ने 500 मीटर तक पीछा कर बदमाश को मारी गोली, 12 मुकदमे हैं दर्ज। गाजियाबाद में बाइक भैंसा बुग्गी की भिड़ंत, 2 की मौत, पेंगा सौदा मार्ग पर हादसा, युवक के सीने में घुस गई बुग्गी की रॉड। BBA छात्र की हत्या के खुलासे को लगी 4 टीमें, CCTV में गोली पड़ने के बाद भागता नजर आया युवक, मर्डर केस में जेल में है मृतक का भाई।
सिद्धार्थ नगर निकाय चुनाव सर्दियों की दस्तक के साथ नगर निकाय चुनाव की चर्चाओं से माहौल गर्म गर्म हो रहा अटकलों का बाजार। लखनऊ के कैंट में सेना के जवान ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, पंजाब के रहने वाले हैं, लखनऊ में थे अटैच। सीतापुर में किन्नरों ने पुलिस पर किया पथराव, बच्ची को गोद लेने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने भागकर बचाई जान। कानपुर में 10 थानेदार इधर से उधर, सत्ता से नजदीकी रखने वाले विवादित थानेदारों को मिली प्राइम पोस्टिंग, दंगाइयों को मिला चार्ज। दस लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल, मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबोचा, डंडी आश्रम कोसा अध्यक्ष से मांगी थी रंगदारी। उत्तराखंड के मसूरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई अधिकारियों की योगा क्लास, खुद भी किया आसनों का अभ्यास। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अब हरियाणा में विकसित बीज से होगी गेहूं की खेती, कम लगेगी बीमारियां, बढ़ेगा उत्पादन। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 5 साल में 12 खाकी पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ और बदसलूकी के गंभीर आरोप। उत्तराखंड के निकाय व आम चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, जिलों में बनेगी समन्वय समिति। उत्तराखंड में मुख्य सचिव का आदेश, कहा एक हफ्ते में हर अधिकारी को देनी होगी शिविर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल विकास नगर दौरे पर, कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे, 11 हिरासत में। इनकम टैक्स के उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में रेड, 35 से अधिक ठिकानों पर चल रही छापेमारी की कार्रवाई। उत्तराखंड के देहरादून में जौनसार के कई गांवों में बूढ़ी दिवाली पर निकली होलियात, देर रात तक चलता रहा लोक नृत्य। उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड की 230 पिलर तैयार, 2023 तक पूरा होगा कार्य। उत्तराखंड के पौड़ी में पिंजड़े में कैद हुआ बालक को निवाला बनाने वाला गोलदार, ग्रामीणों ने ली राहत। उत्तराखंड के जसपुर कोतवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला होटल में युवक के साथ पकड़ी गई, पुलिस ने भेजा जेल। उत्तराखंड में भू माफिया यशपाल तोमर पर अब आयकर का शिकंजा, विवादित 56 बीघा जमीन सीज। उत्तराखंड में जन्मदिन मनाने देहरादून से अपने घर काशीपुर आया बिफार्मा का छात्र, खुशियों की जगह मिली मौत। उत्तराखंड की देहरादून में डीएवी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर रोक, संगठनों से जुड़े हैं तो देना होगा इस्तीफा। उत्तराखंड में पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दीपक मित्तल पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, दर्ज है धोखाधड़ी के 8 मुकदमे। असीम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ, आईएसआई के मुखिया रह चुके, भ्रष्टाचार के खुलासे पर इमरान ने हटा दिया था।
अमेरिका द्वारा डाली हड्डी खाने वाला जंगली कुत्ता है दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की बहन का जोरदार हमला। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की प्रदर्शनकारियों को चेतावनी, बोले नहीं कराऊंगा समय पूर्व चुनाव, प्रदर्शन हुए तो सेना बुलाऊंगा। रूसी सेना फिर हुई हमलावर, कीव पर किया ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, 3 की मौत। WHO की चेतावनी, बोला खसरा दुनिया के लिए खतरा, इसे रोकने के लिए 95% टीकाकरण जरूरी। मलबे से जिंदा निकाला गया 6 साल का बच्चा, इंडोनेशिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 271, कई लोग अब भी लापता। अमेरिका के वॉलमार्ट में फायरिंग, हमलावर समेत 3 लोग मारे गए, चश्मदीद, बोला मैनेजर ने स्टाफ पर गोलियां बरसाई। इसराइल के यरूशलम में ब्लास्ट, 1 की मौत, आधे घंटे में 2 बस स्टॉप पर धमाके हुए, 19 से ज्यादा लोग घायल। चीन में फिर कोरोना से बढ़ी दहशत, 1 दिन में रिकॉर्ड 32,000 नए मामले, कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति। राजनीति के कारण टूटा था पाकिस्तान, विदाई भाषण में जनरल बाजवा का बांग्लादेश की जंग और भारत से हार कर छलका दर्द। ट्विटर ने बनाया नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप ट्रैफिक प्रति सेकंड 20,000 ट्वीट्स पर पहुंचा मस्क, बोले टीम का शानदार काम। टाटा ने लॉन्च की अपडेटेड टिगोर ईवी, मिलेगी 315 किलोमीटर की रेंज, शुरुआती कीमत 12,39,000 रुपए। नई पल्सर PI50 लॉन्च, शानदार स्पोर्टी लुक के साथ मिलेंगे कई खास फीचर, कीमत 1,17,000 रुपए। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में गांव पर फोकस, रोजगार और घरों के लिए मिल सकता है 50% ज्यादा पैसा। मंदी के डर से दुनिया में नौकरियों पर संकट, ट्विटर अमेज़न के बाद गूगल भी कर सकती है लोगों की छटनी। ईडी ने अल्फा जियो लिमिटेड से जुड़े 16 करोड़ के FD किए जब्त, फेमा के तहत हुई कार्रवाई। चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह 4,00,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा, राजस्व सचिव ने किया दावा। फिकी रही कि स्टोन की लिस्टिंग, 3% के मामूली तेजी के साथ 555 रुपए पर शेयर हुआ लिस्ट। बिस्लेरी को खरीदने की तैयारी में टाटा कंज्यूमर, 7,000 करोड़ रुपए में डील संभव। पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार सौदे से 10,00,000 नौकरियां सृजित होंगी। पुर्तगाल घना मुकाबले में पहले रोनाल्डो, 2 मैचों के लिए सस्पेंड, 42,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। जापान ने जर्मनी के बाद जीता दुनिया का दिल, ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों ने टीम रूम की सफाई।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में बेल्जियम की रोमांचक जीत कनाडा को 1-0 से हराया, वतुशुआई ने दागा गोल। पृथ्वी शॉ को फिर किया गया नजरअंदाज, बांग्लादेश दौरे पर इंडिया ए टीम में नहीं दी गई जगह। बीसीसीआई ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख का ऐलान किया, वेन स्टोक्स जो रूट ने दर्ज कराया नाम। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में दो बदलाव, जडेजा यश दयाल बाहर, कुलदीप सेन और सहवाज को मौका। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे उन्मुक्त चंद, चट्टोग्राम चैलेंजर्स ने खरीदा 2012 में भारत को जिताया था अंडर 19 वर्ल्ड कप। सातवें आसमान पर स्पेन एक तरफा मुकाबले में कोस्टारिका को हराया, 6 खिलाड़ियों ने दागे गोल। टी20 रैंकिंग में सूर्या नंबर 1 पर कायम, ताजा रैंकिंग में 890 पॉइंट्स, विराट को 2 स्थान का नुकसान। अब 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी उलटफेर का शिकार, 24वीं रैंक जापान ने ग्रुप ई में हराया, 8 मिनट में 2 गोल कर जीत हासिल की। विकी सनी ने पिता श्याम कौशल को किया बर्थडे विश, फोटो शेयर कर भेजे वर्चुअल हग्स, कहा मेरी ताकत की पिलर हैं आप। सानवथा को मिला मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का किताब, आलिया दीपिका को छोड़ा पीछे, 10 एक्ट्रेस में नंबर 1 है। आरके ने अर्जुन कपूर को सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर बताया, विक्की कौशल को कैटरीना के नाम से किया ट्रोल, जबकि आयुष्मान को कहा डबल टोल की। फवाद माहिरा की फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बनी द लीजेंड्स मौला जट। सुशांत की एक्स मैनेजर की हत्या नहीं हुई थी, सीबीआई का दावा, दिशा सालियान नशे में 34वीं मंजिल से गिरी थी। सोलह सौ साल पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी में भेड़िया मानव का जिक्र, 2400 साल पहले भी नियोरी जाति से भेड़िया मानव होने का दावा। एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक, बेटी ने कहा उनका निधन नहीं हुआ है, सलामती की दुआ करें। तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस रुक, एक इवेंट में हुई शामिल, ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में दिखी खूबसूरत। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में दिखी सोनम कपूर, बोनी कपूर, यामी गौतम, करण कुंद्रा के अलावा स्पॉट हुए कई सेलेब्स। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की तबीयत हुई खराब, देर रात बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में कराए गए भर्ती। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।